जो बॉलीवुड भोजपुरी फिल्मों को पॉर्न फिल्म कहता है, वो कहते हैं ना, अगर आपको ऊंचा उठना है तो सामने वाले को दबा दिया जाए। सेम यही बात बॉलीवुड इंडस्ट्री भी फॉलो करती है। हमारे देश में कितने ही रीजनल सिनेमा है, आज तक बॉलीवुड ने अपने आगे, अपने ग्लैमर के आगे किसी को उठने ही नहीं दिया, या यूं कह ले खड़ा होने ही नहीं दिया। चाहे वो मराठी, गुजराती, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयाली सिनेमा हो, सभी को हिंदी सिनेमा ने दबा दिया। वो इसलिए क्योंकि वो अकेला ही सिनेमा का बेताज बादशाह बना रहना चाहता है, इसलिए शायद उसने रीजनल सिनेमा को उतनी अहमियत नहीं दी जितनी उसे मिलनी चाहिए थी। अगर बात करें साउथ की फिल्मों की, तो आज साउथ का क्षेत्र पूरी तरह से बॉलीवुड के हाथों निकल चुका है। वहाँ के अभिनेता ही वहाँ के दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं, और जो कुछ चार्म बॉलीवुड का वहाँ बाकी था, मांगाधीरा और बाहुबली जैसी फिल्मों ने भी खत्म कर दिया। लेकिन एकमात्र उत्तर भारत का राज्य ही ऐसा बचा है जहाँ के कलेक्शन से ही हिंदी सिनेमा का व्यापार निर्भर करता है, अगर वो भी भोजपुरी सिनेमा को पॉर्न सिनेमा या सी ग्रेड का सिनेमा नहीं कहेंगे तो उनके ब्रेड और बटर के लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि मराठी सिनेमा अपनी ताकत को धीरे धीरे पहचान रहा है, तभी तो नट सम्राट और सैराट जैसी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा ही धमाकेदार कलेक्शन किया है। भोजपुरी सिनेमा को अगर हमारे बॉलीवुड वाले सी ग्रेड सिनेमा या पॉर्न सिनेमा नहीं कहेंगे या न कह के दर्शाएंगे, तो कहीं ऐसा दिन उन्हें न देखना पड़ जाए कि जब हिंदी सिनेमा बस नाम मात्र का सिनेमा रह जाए। इसलिए भोजपुरी सिनेमा को दबा कर रखना उनकी मजबूरी है। अगर उत्तर भारत का क्षेत्र उनके हाथों से निकला तो हिंदी सिनेमा देखेगा ही कौन। जिस दिन भोजपुरी सिनेमा के लोग समझेंगे अपनी भाषा से जुड़ी ताकत को, शायद उसी दिन भोजपुरी सिनेमा का काया पलट होने में देर भी नहीं लगेगी। To know more भोजपुरी gossip and news, please subscribe us.